गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सीमा मिश्रा फ्रॉम शिवज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम अपनी सहायक पुस्तक बाल राम कथा से उसके बाकी के जो अध्याय थे उन्हें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने जहाँ तक पढ़ा था वो था हमने पढ़ा था भरत चित्रकूट में भरत, जहाँ हमने देखा था कि किस तरीके से भरत चित्रकूट पहुँचे थे और उन्होंने राम से कहा था कि वे वापस अयोध्या चलें, लेकिन राम ने पिता की आज्ञा कहकर उन्हें मना कर दिया और भरत उनकी खड़ाऊ लेकर अपने अयोध्या वापस लौट गए। और उसके बाद आगे हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 6, दंडक वन में 10 वर्ष। हम देखते हैं आगे दंडक वन में 10 वर्ष। तो जब भरत वापस लौट गए, उसके बाद भरत के अयोध्या लौटने के बाद राम ने चित्रकूट के मायावी राक्षसों का सफाया कर दिया, यानी वहाँ जितने भी मायावी राक्षस थे उन्हें मार डाला। अयोध्या के लोग वहाँ आते रहते थे, इसलिए राम ने वहाँ से दूर जाने का निश्चय किया, क्योंकि चित्रकूट अयोध्या के काफ़ी पास होने के कारण जितने भी अयोध्यावासी थे वे राम से मिलने बार बार वहाँ आया करते थे। इसलिए राम ने वहाँ से दूर जाने का निश्चय किया। उन्होंने वहाँ से दंडक वन में जाने का निर्णय किया। अत्रि मुनि से विदा लेकर उन्होंने चित्रकूट छोड़ दिया और मुनि से विदा ली और वहाँ से छोड़कर वे आगे चले गए। दंडक वन एक घना जंगल था, जहाँ वे गए वो जगह थी दंडक वन और वह एक बहुत ही घना जंगल था। यहाँ के तपस्वी को राक्षस तंग किया करते थे। मुनियों ने राम से आग्रह किया कि वे मायावी राक्षसों से उनकी रक्षा करें, क्योंकि दंडक वन बहुत घना था, इसलिए यहाँ बहुत सारे राक्षस थे जो मुनियों को, जो वहाँ ऋषि मुनि रहते थे उन्हें परेशान किया करते थे। तो सभी मुनियों ने मिलकर राम से अनुरोध किया, आग्रह किया कि वे उनकी रक्षा करें। वे 10 वर्ष तक दंडक वन में रहे। श्रृंगभंग मुनि के आश्रम में उन्होंने ऋषियों के कंकालों का ढेर देखा और वहाँ पर जब वे गए तो वहाँ देखा श्रृंगभंग मुनि के आश्रम में कि वहाँ बहुत सारे ऋषि मुनियों के कंकाल पड़े हुए थे, क्योंकि उन्हें मायावी राक्षस क्या कर देते थे, मार देते थे, और उनके जितने भी मरे हुए उनके जो कंकाल थे वहाँ वहाँ ढेर बना हुआ था जिन्हें राक्षसों ने मार दिया था। सुतीक्षण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कथाएं सुनाई और वहाँ पर सुतीक्षण मुनि ने भी राम को बताया कि किस तरीके से राक्षस अत्याचार करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, और अगस्त्य ऋषि से मिलने की सलाह दी। पंचवटी जाते हुए राम की भेंट जटायु से हुई। जटायु जो दशरथ के मित्र थे उनसे उनकी भेंट हुई। वे राजा दशरथ के मित्र थे और उन्होंने उनकी मदद करने का वचन दिया और उन्होंने कहा कि जब भी आपको मेरी सहायता की ज़रूरत होगी मैं आपकी सहायता करूँगा, मदद करूँगा। पंचवटी में लक्ष्मण ने सुंदर कुटिया बनाई और राम लक्ष्मण ऋषियों के आश्रम पर आक्रमण करने वाले राक्षसों का संहार भी करते रहे। जब वे पंचवटी पहुँचे तो वहाँ उन्होंने बहुत ही सुंदर क्या बनाई, कुटिया बनाई। बहुत ही सुंदर दृश्य था, वहाँ उन्होंने अपनी कुटिया बना ली और वहाँ के जो आश्रम के जितने भी ऋषि मुनि थे उन्होंने उन्हें बताया कि वे राक्षसों का वहाँ रहकर संहार करें, उनको मारें। धीरे धीरे तपस्वियों के लिए वहाँ का वातावरण शांतिपूर्ण हो गया था और धीरे धीरे राम के द्वारा उन राक्षसों का वध करने से वहाँ का जो वातावरण था वो बहुत ही शांतिपूर्ण हो गया था। एक दिन लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहाँ एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर आई और क्योंकि वो राक्षसनी थी और राम से बोली कि वह उनसे विवाह करना चाहती है। राम ने जब उससे कहा कि मेरा तो विवाह हो चुका है, तब वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने उसे राम के पास भेज दिया और राम ने उसे बताया कि उनका तो विवाह हो चुका है, और ये देखकर वह लक्ष्मण के पास पहुंच गई और उनसे वह कहने लगी कि वह उनसे विवाह करना चाहती है। लेकिन लक्ष्मण ने राम के पास भेज दिया और उन्होंने कहा नहीं, मैं विवाह नहीं करूँगा, तुम तो
लक्ष्मण के पास गई, लक्ष्मण ने उसे राम के पास भेज दिया और फिर लक्ष्मण के पास गई, लेकिन वहाँ पर उसे राम के पास, लक्ष्मण ने वापस राम के पास उसे भेज दिया। इस प्रकार दोनों के बीच वह भागती रही और बार बार राम लक्ष्मण के पास भेज रहे थे, लक्ष्मण राम के पास भेज रहे थे, और वो दोनों के पास जाकर ये कह रही थी कि कोई भी उनसे विवाह कर ले। अंत में वे क्रोधित होकर सीता पर झपटी और अंत में उसे इतना क्रोध आया, गुस्सा आया कि वे सीता जो बीच में खड़ी हुई थी वहीं पर थी, उन पर झपटी यानी उनको पकड़ लिया। लक्ष्मण ने तत्काल शूर्पणखा के नाक कान काट दिए और उसी समय उसके नाक कान काट दिए। खून से लथपथ शूर्पणखा रोती हुई अपने भाई खर और दूषण के पास पहुंची। शूर्पणखा की दुर्दशा देखकर और उसकी इस दशा का कारण जानकर खर दूषण क्रोध से भर गए। जब वे खर दूषण के पास पहुंची जो उसके भाई थे, और उसने जाकर जब वहां पर ये बताया कि उसके नाक कान किस तरीके से उस सन्यासी लक्ष्मण ने काट दिए हैं, तो उसे उन दोनों भाइयों को क्रोध आया। बताया गया है बच्चों पिक्चर में, देख रहे हैं हम चित्र में, कि किस तरीके से लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए हैं। और खरदूषण ने पहले तो 14 राक्षसों को भेजा, जहां 14 राक्षस जो थे वो युद्ध करने पहुंचे, परंतु उनके मारे जाने पर स्वयं सेना लेकर राम से युद्ध करने पहुंचे और उन्हें राम और लक्ष्मण ने मार दिया। उसके बाद वह खुद वहां पहुंचे और मारे गए कुछ राक्षस जान बचाकर भाग गए, और कुछ राक्षस जो मारे गए और कुछ जो बचे थे वे अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। इनमें से एक अकंपन नामक राक्षस ने रावण को सारी घटना बताकर सीता का अपहरण करने की सलाह दी, और एक अकंपन नामक राक्षस जो था वह अपनी जान बचाकर भाग गया और रावण के पास जाकर उसने सीता हरण करने के लिए कहा। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। रास्ते में उसे मारिच मिला और जब वे सीता को हरण करने के लिए या सीता हरण करने के लिए आ रहा था, तो रास्ते में मारिच नाम का राक्षस मिला। मारिच ने रावण को ऐसा ना करने की सलाह दी और मारिच ने कहा कि ये सही नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने सलाह दी। रावण मारिच की बात मानकर चुपचाप लंका लौट गया और ये सोचकर कि सही है, ऐसा करना सही नहीं होगा, और ये सोचकर वह वापस अपनी लंका की ओर चला गया। शूर्पणखा रोते हुए रावण के पास पहुंची और उसे अपना दुखड़ा सुनाया और राम लक्ष्मण की प्रशंसा करते हुए सीता की सुंदरता के बारे में बताया। उनसे कहा कि वह तो सीता को उसके लिए लाना चाहती थी, लेकिन शूर्पणखा जो थी वो लंका पहुंच गई और उसने रावण को अपने नाक कान काटने के बारे में बताया और ये दुहाई दी कि अगर तुम मेरे सच्चे भाई हो या मेरे भाई हो तो तुम्हें ये काम करना होगा, तुम उस सीता को हरण करके लेके आना होगा, क्योंकि सीता बहुत सुंदर है और मैं तुम्हारे लिए ही उसे लेकर आना चाहती थी, लेकिन राम लक्ष्मण ने मिलकर मेरे साथ ये कार्य किया, मेरे नाक कान काट दिए। शूर्पणखा ने कहा कि उसकी बात नहीं सुनी और लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए, कि जब मैंने उनसे कहा तो वो इस बात को नहीं माने और सीता को नहीं भेजा तुम्हारे लिए, और लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट दिए। उसने रावण को उनसे बदला लेने के लिए उकसाया, उसने रावण को काफ़ी उन शब्दों का प्रयोग करके उकसाया कि वह अपना मेरी जो मेरी नाक कान काट दिए हैं उसका बदला लेने के लिए उसने रावण को उकसाया। इस बार रावण मारिच को लेकर पंचवटी गया। वहां जाकर मारिच मायावी सोने के हिरण का रूप धारण कर राम लक्ष्मण और सीता की कुटिया के पास घूमने लगा। इस बार रावण जो है वो मारिच की बातों में नहीं आया और वह वहां पर रावण को आखिर रावण के कहने पे आखिर उसने एक मायावी हिरण, सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया और राम लक्ष्मण और सीता की कुटिया के पास जाकर घूमने लगा। रावण एक तपस्वी का वेश बनाकर एक पेड़ के पीछे छिप गया और रावण जो था वो एक चाल चल रहा था, उसने एक योजना बना रखी थी। वह एक पेड़ के पीछे एक ऋषि मुनि या तपस्वी का रूप धारण करके वहाँ छिप गया।
सीता ने उस सोने के हिरण पर मुग्ध होकर राम को उसे पकड़ लाने के लिए कहा। सीता जो थी उस हिरण को देखकर, सोने के हिरण को देखकर उस पर मुग्ध हो गई, यानी कि उसको देखकर वो मोहित हो गई उस हिरण पर, और उन्होंने राम से कहा कि मुझे ये सोने का हिरण चाहिए और मुझे ये हिरण लाके दीजिए। राम सीता के कहने पर सोने के हिरण को पकड़ने के लिए जंगल की ओर चल दिए, और सीता के कहने पर राम उस हिरण को पकड़ने के लिए किस तरीके से जंगल की ओर चल दिए। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, अध्याय 7 जिसका नाम है सोने का हिरण। यहाँ बताया गया है कि किस तरीके से जो राम हैं वो हिरण को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। सोने का हिरण राम को कुटिया से बहुत दूर ले आया, क्योंकि वो एक मायावी हिरण था जिसने सोने के हिरण का रूप धारण कर रखा था, और राक्षस था वो, लेकिन वो दूर तक दौड़ता हुआ आ गया और राम को भी दूर तक दौड़ाता हुआ बहुत कुटिया से बहुत दूर ले आया। राम ने उसे जीवित पकड़ने का विचार छोड़ दिया, क्योंकि राम चाहते थे कि वे उसे जीवित पकड़ लें, लेकिन वो इतनी तेज़ी से दौड़ रहा था कि राम ने सोचा कि अब इसे जीवित पकड़ना सही नहीं होगा, या मैं इसे जीवित ना पकड़कर इसे बाण चलाकर मार देता हूँ, और उसे बाण से मार दिया। और जैसे ही उन्होंने तीर चलाया वो वहीं पर गिर गया या मर गया। राम ने उसका पीछा करते हुए उस पर निशाना साधा, और बाण लगते ही वह अपने असली रूप में आ गया, क्योंकि वो एक मायावी राक्षस था मारीच, और जैसे ही उसको बाण लगा वह अपने असली रूप में आ गया और चिल्लाकर बोला, हे सीते, हे लक्ष्मण, और वह थोड़ी देर में मर गया। और उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, आवाज़ उसने राम की बना ली थी, और उस राम की आवाज़ में उसने चिल्लाकर बोला, हे सीते, हे लक्ष्मण। राम को समझते देर नहीं लगी कि क्यों हिरण उन्हें जानबूझकर कुटिया से दूर ले आया था, और जब उसने सीता और लक्ष्मण को आवाज़ दी तो राम को ये समझते बिल्कुल देर नहीं लगी कि ये मायावी है और क्यों इसने ऐसा कार्य किया और क्यों ये मुझे कुटिया से बहुत दूर ले आया। तेज कदमों से कुटिया की ओर चल दिए। जब राम को समझ में आया तो वे बड़े ही तेज कदमों से कुटिया की तरफ चल दिए। रावण अपनी चाल की सफलता पर प्रसन्न था, और रावण जो चाल चलने आया था, जो उसने योजना बनाई थी वो सफल हो रही थी, उस पर वह बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि वह अब सीता का हरण कर सकेगा, और अब सीता को वो क्या हरण करके ले जा सकेगा, और सीता हरण के साथ ही राम निशक्त हो जाएंगे। जब वह सीता को हरण करके ले जाएगा तो राम वहाँ पर बिल्कुल बेसहाय बेआसरा हो जाएंगे। राम और लक्ष्मण ने मायावी हिरण की पुकार सुन ली थी, लक्ष्मण समझ गए कि ये कोई चाल है, तो वहाँ राम ने भी सुनी और साथ में लक्ष्मण ने भी, वो हिरण जो मायावी राक्षस था उसने आवाज़ लगाई थी वो पुकार सुन ली थी, लक्ष्मण समझ गए थे कि ये कोई चाल है। परंतु सीता घबरा गई, परंतु सीता ये नहीं समझ पा रही थी कि ये कोई राक्षस की चाल है और घबरा रही थी, और उन्होंने लक्ष्मण को भाई की सहायता के लिए जाने को कहा कि तुम जाओ लक्ष्मण और अपने भाई की सहायता करो। लक्ष्मण ने सीता जी को समझाना चाहा कि ये राक्षसों की चाल है, परंतु सीता लक्ष्मण को बुरा भला कहने लगी कि उन लक्ष्मण ने काफ़ी प्रयास किया सीता जी को ये समझाने का कि ये राक्षस हैं और उनकी एक चाल है, लेकिन सीता जी बिल्कुल ना समझी और वह उन्हें बुरा भला कहने लगी। लक्ष्मण सीता की इन बातों को सिर झुकाकर सुनते रहे। सीता का क्रोध और बढ़ गया तथा वे अपने प्राण देने के लिए तैयार हो गई। जब लक्ष्मण सीता जी की जो कहे वचन थे वे अपने सर झुकाकर सुनते रहे, लेकिन वे वहाँ से नहीं गए, तो सीता को अत्यधिक क्रोध आया और वह बोलने लगी कि मैं अब, अगर तुम उनकी मदद के लिए नहीं जाओगे तो मैं यहीं पर अपने प्राण दे दूँगी।
तब लक्ष्मण राम की आज्ञा का उल्लंघन कर, क्योंकि राम ने उन्हें आज्ञा दी थी कि जब तक वे लौटकर नहीं आएंगे तब तक उन्हें सीता जी का ध्यान रखना है या उन्हीं की रक्षा करनी है, लेकिन सीता जी के बार बार आग्रह करने पर और प्राण देने के शब्द वचन सुनकर वे उन्हीं राम की आज्ञा का उल्लंघन कर सीता को प्रणाम कर राम की खोज में चल पड़े। और सीता को उन्होंने प्रणाम किया और लक्ष्मण रेखा खींचकर वे कहाँ चले गए, वे राम की खोज में आगे बढ़ गए। लक्ष्मण के जाते ही रावण साधु का वेश रखकर आ पहुंचा, क्योंकि वह तो एक योजना बनाकर आया था, इसलिए वो पेड़ के पीछे एक साधु ऋषि के वेश में खड़ा हुआ था और वो वापस वहां आ पहुंचा और उसने छल कपट से सीता का हरण कर लिया, उसने सीता को छल कपट से उठा लिया। सीता स्वयं को असहाय पाकर विलाप करने लगी, क्योंकि कोई उनकी मदद के लिए नहीं था, वह असहाय थी और वह रोने लगी, विलाप करने लगी। और रावण का रथ लंका की ओर बढ़ चला, रावण सीता जी को अपने रथ पर बिठाकर लंका की तरफ उड़ चला, बढ़ चला। मार्ग में पशु पक्षियों पर्वतों को कहती जा रही थी कि कोई राम को बता दे कि रावण ने उनका हरण कर लिया है। और जब वे लंका की ओर प्रस्थान कर रही थी, रावण के रथ में बैठी हुई थी, तो वहाँ जितने भी पशु पक्षी थे, पर्वत थे, पेड़ पौधे थे, उन सभी को ये कहती जा रही थी कि राम को ये बता देना कि मेरा हरण रावण ने कर लिया है। जटायु ने सीता का विलाप सुनकर रथ को छत विछत कर दिया, उसने रावण को घायल भी कर दिया। और वहीं पर जटायु जो उन्हें रास्ते में मिला था और वचन दिया था उन्होंने कि जब भी उनकी सहायता की ज़रूरत होगी वह उनकी सहायता करेंगे, ये सीता जी का विलाप जटायु ने सुना और वह आया और उसने रावण के जो रथ को छत विछत किया और रावण को भी घायल कर दिया। रावण ने क्रोध में जटायु के पंख काट दिए, लेकिन रावण ने क्रोध में आकर उनके तलवार से उनके पंख काट दिए। सीता ने अपने आभूषण उतार कर फेंकना प्रारंभ कर दिया। अब सीता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और उन्होंने क्या किया, जितने भी उन्होंने आभूषण धारण कर रखे थे, गहने जो पहन रखे थे, वो उन्होंने धीरे धीरे फेंकना शुरू कर दिया ताकि उनके मार्ग का पता चल सके, ताकि जब भी राम उन्हें ढूंढते हुए आगे बढ़ें तो उन्हें रास्ते का पता चल सके, उन गहनों से उन्हें पता चल जाए कि सीता किस ओर की तरफ गई हैं या उनके जाने का कौन सा रास्ता है। रावण सीता को सीधे अपने महल में ले गया तथा सीता को राक्षसियों की निगरानी में छोड़कर उसने कहा कि मैं तुम्हें एक वर्ष का समय देता हूँ, निर्णय कर लो कि मेरी रानी बनोगी या सारा जीवन रोती रहोगी। अब रावण अपने रथ से लंका पहुँच गया और सीता को लेकर वह अपने महल में ले गया और सीता को कहा कि मैं तुम्हें एक वर्ष का समय देता हूँ, तुम सोच लो कि या तो तुम मेरी रानी बनकर रहोगी या फिर इसी तरीके से जीवन भर रोती रहोगी। सीता राम का गुणगान करती रही। रावण ने सीता को अशोक वाटिका में बंदी बना लिया। सीता बार बार राम का नाम लेकर डरी सहमी रो रो कर दिन काट रही थी। और उसके बाद रावण सीता को अशोक वाटिका में ले जाकर वहाँ पर उसे बंदी बना दिया गया और सीता वहीं पर रोते रोते अपना डरी सहमी जीवन काट रही थी। अब बच्चों हम आ जाते हैं अध्याय 8, सीता की खोज। यहाँ हम देख रहे हैं किस तरीके से राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव सभी ने मिलकर सीता की खोज का प्रयास शुरू किया। मायाजाल से सोने का हिरण बने मारीच को मारने के बाद राम संदेह भरे कुटिया की ओर भागे चले जा रहे थे और जब राम ने वहाँ मायावी हिरण को मारा और जब उन्होंने वो वचन सुने तो वे समझ गए और संदेह से भरे हुए, डरे हुए कि कुछ अनहोनी होने वाली है, कुटिया की तरफ दौड़े दौड़े चले जा रहे थे कि कहीं लक्ष्मण सीता को कुटिया में अकेला छोड़कर ना आ जाए। जिस बात का उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो लक्ष्मण मुझे ढूंढता हुआ यहाँ ना आ जाए और सीता को अकेला ना छोड़ दे,
तभी उन्हें पगडंडी पर, यानी जो बीच का रास्ता होता है सकड़ा सा, पगडंडी से लक्ष्मण आते दिखे और सही में जो उनका डर था वो सच हो गया। लक्ष्मण उन्हें सामने से रास्ते से यानी कि पगडंडी से आते हुए नजर आए। लक्ष्मण को देखकर उन्हें गुस्सा आ गया और लक्ष्मण को जब उन्हें आते हुए देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। लक्ष्मण ने उन्हें कहा कि मुझे पता था कि आप सकुशल होंगे, परंतु माता सीता के कटु वचन सुनकर मुझे आना पड़ा। कि मुझे पता था कि ये मायावी राक्षसों की चाल है, लेकिन माता सीता ने मुझे इतने कटु वचन बोले हैं जिसके कारण मुझे उन्हें अकेला छोड़कर आपके पास आना पड़ा। दोनों जल्दी कुटिया की ओर चल पड़े। जब कुटिया दिखाई पड़ने लगी तो राम ने सीता को पुकारा कि तुम कहाँ हो, और दोनों बड़े ही तेज कदमों से कहाँ पहुँच गए, कुटिया की तरफ पहुँच गए। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, वो कुटिया के आसपास पहुँचते ही राम ने बड़े ही जोरों से सीता को आवाज़ लगाई, पुकारा। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद आवाज़ नहीं आई, लेकिन कुछ देर वे प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन कहीं से कोई उत्तर नहीं मिला। सीता कुटिया में नहीं थी। ये देख राम विचलित हो गए कि सीता वहाँ नहीं है। ये सोचकर राम बड़े दुखी हो गए। तब लक्ष्मण राम के निकट गए और उनको समझाते हुए कहा कि आप आदर्श पुरुष हैं। और तब लक्ष्मण ने उन्हें समझाया कि आप एक आदर्श पुरुष हैं और आपको हिम्मत रखनी होगी, धैर्य रखना होगा। आप ऐसे दुखी नहीं हो सकते, ऐसे विचलित नहीं हो सकते, आपको धैर्य रखना चाहिए। ये सुनकर राम शांत हुए और लक्ष्मण के शब्दों को सुनकर वे थोड़े से राम ने वहाँ से जाते हुए हिरणों के झुंड से पूछा तो उन्होंने आसमान की ओर सिर उठाकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। राम ने इसे संकेत माना और सीता की खोज दक्षिण की ओर शुरू कर दी। तो यहाँ राम जब विचलित हो गए तो उन्होंने सभी से पूछा कि कोई तो होगा जिसको ये पता होगा। पशु पक्षियों से पूछा, पेड़ पौधों से पूछा, नदियों पहाड़ों से पूछा और अंत में वहाँ जाते हुए हिरणों के झुंड से पूछा। हिरणों के झुंड में से हिरणों ने आसमान की ओर इशारा करते हुए और दक्षिण दिशा की ओर दौड़ गए। और इस तरीके से राम को एक संकेत मिला कि सीता की खोज हमें दक्षिण दिशा की ओर करनी होगी। दक्षिण दिशा में आगे बढ़ने पर उन्हें गिद्धराज जटायु घायल अवस्था में मिले। और जब राम लक्ष्मण दक्षिण दिशा की ओर चले तो उन्हें रास्ते में गिद्धराज जटायु, जो सीता की रक्षा करने के लिए उनका प्रयास कर रहे थे, वो घायल अवस्था में उन्हें वहाँ मिले। और उन्होंने राम को बताया कि रावण सीता को उठाकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर ले गया है। और उस गिद्धराज ने बताया जटायु ने कि जो रावण है वो सीता जी को दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर ले गया है। इतना कहकर जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए और यह कहकर जटायु ने अपने वहीं पर प्राण त्याग दिए। राम ने उनका दाह संस्कार किया और आगे बढ़ गए। आगे उन्हें कबंध राक्षस मिला। कबंध एक बहुत ही भयानक राक्षस था जिसकी बहुत लंबी लंबी भुजाएं थी और एक आंख थी और बड़ा ही भयानक रूप का था। और उसके द्वारा आक्रमण करने पर राम लक्ष्मण ने तलवार के वार से उसके हाथ काट दिए। उसके द्वारा राम और लक्ष्मण पर आक्रमण करने पर राम लक्ष्मण ने उसकी लंबी लंबी भुजाओं को काट दिया। तब उसने उनका परिचय जानकर अपनी इच्छा बताई और तब उस कबंध नामक राक्षस ने उनसे उनका परिचय पूछा। और उसके बाद उसने अपनी इच्छा बताई कि मृत्यु के बाद वो उनका भी दाह संस्कार करे। उसने बताया कि ऋष्यमुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं, वे वहाँ निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उनके पास वानर सेना है, वे अवश्य सीता को खोज निकालेंगे। और उसने रास्ता बताया कि ऋष्यमुख पर्वत पर कौन वानर राज सुग्रीव रह रहे हैं और वे वहाँ पर अपना निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उनके पास वानर सेना है, आप वहीं पर चले जाइए और वही सीता की खोज कर सके।
सकेंगे। उसने उन्हें वहाँ जाने से पहले मतंग ऋषि के आश्रम में रहने वाली शबरी से मिलने के लिए भी कहा और प्राण त्याग दिए, और ये भी कहा कि वहाँ जाने से पहले आप मतंग ऋषि के आश्रम में जाना जहाँ शबरी बरसों से आपकी प्रतीक्षा कर रही है, और उनसे भी आपको मिलना है, और ये कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। राम ने वचन के अनुसार उसका अंतिम संस्कार खुद किया, और जब वे मरने से पूर्व कबंध राक्षस ने अपने अंतिम संस्कार के लिए कहा था, तो राम ने खुद अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया उस राक्षस का, और वहाँ से वे दोनों शबरी से जाकर मिले। यहाँ बच्चों बताया गया है किस तरीके से शबरी हैं जिनके पास में बेर रखे हुए हैं, और राम और लक्ष्मण यहाँ पहुँचे हैं जहाँ शबरी उनका इंतजार कर रही थी और उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गई, और उन्होंने वहाँ पर उन्हें खाने के लिए बेर दिए। शबरी ने भी उन्हें सुग्रीव की सहायता से सीता की खोज करने के लिए कहा, और शबरी ने जब राम ने उन्हें बताया कि वे सीता की खोज में निकले हैं, तो शबरी ने भी उन्हें सीता की सहायता के लिए सुग्रीव का ही नाम बताया कि आप वहाँ उनसे से जाकर मिलिए, वे आपकी पूर्ण रूप से सहायता करेंगे। अध्याय 9, राम और सुग्रीव। यहाँ देखिए बच्चों किस तरीके से सुग्रीव जो वानरराज सुग्रीव थे, हनुमान थे, और राम लक्ष्मण किस तरीके से यहाँ मिलते हैं, और कैसे आगे वे सभी योजना बनाते हैं सीता जी से मिलने की। राम लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत पर गए। सुग्रीव और बाली दोनों भाइयों में राजकाज के कार्य में किसी बात को लेकर इतना झगड़ा हुआ कि बाली सुग्रीव की हत्या करने पर उतर आया। यानी सुग्रीव और बाली दोनों भाई थे, लेकिन राजकाज के कारण दोनों में इतना बड़ा युद्ध हुआ कि दोनों एक दूसरे को मारने पर उतर आए, और अंत में सुग्रीव जो हैं ऋषिमुख पर्वत पर जाकर निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगे थे। सुग्रीव जान बचाकर अपने साथियों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे। जब सुग्रीव ने तपस्वी युवकों को वहां आते देखा तो हनुमान से उनका पता लगाने के लिए कहा, और जब वे दोनों ऋषि तपस्वी रूप में राम और लक्ष्मण वहां आते दिखाई दिए तो हनुमान को उन्होंने उनके बारे में जानकारी लेने के लिए भेजा। हनुमान वेश बदलकर वहां पहुंचे और उनका परिचय पूछा। राम लक्ष्मण ने अपना परिचय देकर बताया कि रावण सीता का अपहरण करके ले गया है, और सुग्रीव से सीता की खोज करने में उनसे सहायता मांगने हम आए हैं, कि किस तरीके से रावण ने सीता का अपहरण कर लिया है, और हम सुग्रीव वानरराज सुग्रीव से सहायता मांगने के लिए यहाँ आए हैं। हनुमान राम और लक्ष्मण को जान गए, उन्हें अपने कंधे पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले आए। राम और सुग्रीव मित्र बन गए। सुग्रीव ने वानरों द्वारा लाए गए आभूषण दिखाए जो सीता के थे, और राम ने जब राम और सुग्रीव मित्र बन गए तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से कुछ वानरों को वहाँ पर क्या मिला है, वो आभूषण मिले हैं, और जब उन्होंने राम को बताए तो राम ने उन्हें पहचान लिया सीता के थे, क्योंकि वो आभूषण सीता जी ने रथ पे बैठे हुए फेंके थे तो वो सीता जी के थे। दोनों ने एक दूसरे को अपनी व्यथा सुनाई और दोनों ने अपनी अपनी जो कहानी है वो बताई कि किस तरीके से उनका जीवन कैसे दुखों में बीत रहा है। राम और सुग्रीव ने एक दूसरे को सहायता करने का वचन दिया। राम के आश्वासन पर सुग्रीव और बाली दोनों में भीषण मल्लयुद्ध हुआ। राम ने आश्वासन दिया कि वे उन्हें विजयी करेंगे और वापस उनका राजकाज लौटा देंगे, लेकिन उन्हें बाली से युद्ध करना होगा। दोनों ने युद्ध किया और एक मल्लयुद्ध हुआ, और अंत में राम ने बाली को बाण से मार गिराया। सुग्रीव का राज्याभिषेक किया गया क्योंकि बाली मारा गया, और उसके बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक किया गया, और वर्षा ऋतु बीत जाने के बाद, क्योंकि कुछ समय बाद वर्षा ऋतु आ गई, इसलिए वर्षा ऋतु का इंतजार किया गया ताकि वर्षा ऋतु बीत जाए। उसके बाद वानर दलों को चार टोलियों में बांट दिया गया, चार भागों में बांटा, चार दिशाओं में भेजने के लिए चार टोलियों में बांट दिया गया। दक्षिण दिशा में जाने वाले दल के नेता
अंगद बनाए गए और श्री राम ने हनुमान को अपनी अंगूठी देकर कहा कि सीता से मिलने पर यह अंगूठी उन्हें देना, तो वह तुम्हें पहचान जाएंगी कि हनुमान तुम अगर सीता से मिलो तो उन्हें मेरी ये अंगूठी देना, जिसको देखकर वह पहचान जाएंगी कि ये राम की अंगूठी है, कि तुम मेरे द्वारा भेजे गए दूत हो। किष्किंधा से दक्षिण दिशा में चलकर ये दल जहाँ पहुँचा वहाँ आगे भूमि नहीं, केवल जल ही जल था। सभी वहाँ थक हार कर बैठ गए। अब किष्किंधा से आगे चलकर जब वे जहाँ भूमि ख़त्म हो गई, धरती ख़त्म हो गई, वहाँ से समुद्र शुरू हो गया, तो वहाँ पहुँच कर उन्होंने वहाँ पर वे थक हार कर बैठ गए। वानर दल को समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े समुद्र को कैसे पार किया जाए। तब जामवंत ने हनुमान चुपचाप बैठे हुए हनुमान को कहा कि वह पवन पुत्र हैं, ये कार्य वही कर सकते हैं, उन्हें ही जाना होगा और सीता का पता लगाना होगा। कि अब तुम्हारा काम है हनुमान, तुम्हें इतनी शक्तियाँ हैं कि तुम अपनी शक्ति का प्रयोग करके सीता की खोज करने के लिए तुम्हें ही जाना होगा। जब जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्तियाँ याद दिलाई तो उन्हें सभी कुछ याद आ गया और वे लंका की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गए। और इस प्रकार से हनुमान को अपनी शक्तियाँ याद आई और वे लंका की तरफ प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गए।